हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गाइस स्टेट वाइज मॉप अप राउंड की काउंसलिंग चल रही है और जो रिजल्ट है वो काफ़ी सारे स्टेट्स ने रिवाइज किया है और मॉप अप राउंड एक्सटेंड भी किया है। तो आज ये पूरा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी हो चुकी है, मॉप अप राउंड को लेकर इम्पोर्टेंट नोटिस जारी हुआ है, तो गाइज आज वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस देखिए, चलते हैं हम डायरेक्टली जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है उसकी तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की। देख सकते हैं आप, आज ही के दिन अभी थोड़े टाइम पहले ही जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, तो केवल जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, जो 2021 की अब जो 2022 के अंदर काउंसलिंग चल रही है उनके रिक्त सीटों पर प्रत्यक्ष मॉपअप राउंड की सूचना दी गई है। तो निजी चिकित्सा महाविद्यालय की 138 रिक्त MBBS सीटों पर प्रत्यक्ष काउंसलिंग द्वारा मॉपअप राउंड की प्रक्रिया हेतु निम्न तालिका अनुसार निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रकार की सीट का चयन करने वाले अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ओपन काउंसलिंग हो रही है गाइस। MBBS की सीटें जो है वो बच गई है। तो सबसे पहले अनरिजर्व की अगर बात करें तो संलग्न चिप्स ऑफ मॉपअप राउंड पात्र सूची के नीट प्राप्त अंक 300 तक के सभी अभ्यर्थी, ठीक है, 300 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के ST कैटेगरी के लिए सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनुसार पात्र अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है SC ST और OBC वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे दिया है मॉपअप राउंड प्रक्रिया जो कार्यक्रम है वो क्या है। तो मॉपअप राउंड जो फिजिकली आपका होने वाला है 3 अप्रैल को होगा गाइस, रविवार रहेगा। समय रहेगा मॉर्निंग 11 AM से 1 PM तक का टाइम रहेगा और क्रमांक 1 के अनुसार उपस्थित चिप्स सूची अनुसार निजी, मतलब जो भी स्टूडेंट आएंगे जिस भी अकॉर्डिंग आएंगे उन अकॉर्डिंग ही जो है उनकी जो सूची है वो तैयार की जाएगी 3 अप्रैल को 1 PM टू 1:30 PM। और क्रमांक 2 की प्रवणीय सूची अनुसार आवंटन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 5 अप्रैल को चलेगा और जो अलॉटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स का वो 4 से 5 अप्रैल मॉर्निंग 10 AM टू 5:30 PM आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट डाला गया है कि अभ्यर्थी समय पर उपस्थित हो ताकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सूची में शामिल हो। उसके मॉपअप राउंड स्थल क्या है ये एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको पहुँचना है, नया सभागृह पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर। यहाँ पर नोट दिया गया है, ये नोट आपको पढ़ना है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं MBBS में, क्योंकि काफ़ी कम मार्क्स पर गए ये एडमिशन होने वाला है, नीचे जो कैंडिडेट्स है प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन जो है मॉपअप राउंड के MBBS और BDS का, ये यहाँ पर दिया गया है। ये लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की गई है, आज ही के दिन जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये कैंडिडेट विद प्राइवेट कॉलेज ऑप्शंस मॉपअप MBBS BDS 2021 स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, नीट में उनके कितने स्कोर थे, उनकी कैटेगरी क्या है, किस कोर्स के लिए इनने अप्लाई किया था और जो कॉलेज सीट टाइप है किस टाइप का कॉलेज इनको मिल सकता है वो यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस ये टोटल जो पेजेस है 11 पेजेस है और इन 11 पेजेस में 365 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, प्राइवेट मिल सकता है प्राइवेट भी लिखा हुआ है, ये पूरी लिस्ट आपको देख लेनी है। ये लिस्ट MBBS और BDS दोनों के लिए है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, जैसे ही किसी और स्टेट से रिलेटेड आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और किसी पर्टिकुलर स्टेट की आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस स्टेट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।